पिस्तौल और खाते से 3.25 लाख गायब। शातिरों ने ज्वाली के शख्स को लगाया चूना। उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत आने वाले गांव सिरमनी के निवासी प्रेमचंद पुत्र बुद्धिराम ऑनलाइन ठगी करने के शातिरों की झांसे में आ गए। इसमें प्रेमचंद को एक अनजान नंबर से फोन आया। इसके बाद पीड़ित द्वारा उनके साथ अपना ATM और आधार संख्या साझा की गई। फिर क्या, शातिरों ने पीड़ित के खाते से 2,82,000 रुपए निकाल लिए। जब पैसों की निकासी के संदेश पीड़ित को आने लगे तो इसके बाद उन्होंने बैंक को सूचित किया। बैंक ने जानकारी मिलते ही कार्रवाई की और निकाले गए 2,82,000 रुपए में से 58,800 रुपए रिकवर कर लिए। 2,23,200 रुपए अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं। पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस में दे दी है। मामले की पुष्टि करते हुए DSP सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन ठगी की शिकायत उनके पास आई है, जिसमें IPC के तहत धारा 420 के अंतर्गत अनजान व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। सुबह सवेरे नदियों और तीर्थ स्थलों पर नहाने को पहुंचे लोग, कुल्लू में लगी आस्था की डुबकी। 20 भादों की बेला पर कुल्लू के लोगों ने नदियों और तीर्थ स्थलों पर आस्था की डुबकी लगाई। लोगों ने 20 भादों पर पवित्र स्नान किया। पार्वती व्यास संगम जिया के साथ साथ मकराहर में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। वहीं तीर्थ स्थल खीरगंगा, रुद्रनाग, प्लाथ और विशिष्ट सहित कई अन्य तीर्थ स्थलों पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं गड़सा घाटी के चौथ निहारगढ़ों में भी श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। अंजनी महादेव में इसी दौरान आस्था की डुबकी लगाई गयी। वन विभाग की जल भंडारण स्कीम पशु पक्षियों की पानी की प्यास बुझाने के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए मददगार साबित होगी। इस स्कीम के तहत बिलासपुर सर्किल में कुल 17 चेक डैम बनेंगे। इनमें से 14 चेक डैम कैंपा, 2 IDP और 1 जायका परियोजना के तहत तैयार किए जाएंगे। बिलासपुर और कुनिहार डिवीजन में साइट फाइनल कर ली गई है। अभी एस्टिमेट तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें अप्रूवल और फंडिंग के लिए मुख्य कार्यालय शिमला भेजा जाएगा। ये जानकारी वन विभाग बिलासपुर सर्किल के नवनियुक्त मुख्य अरण्यपाल अनिल कुमार शर्मा ने दी। शिमला के शोघी में बस और बाइक की भीषण टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मिली जानकारी के मुताबिक आशियाना रेस्टोरेंट के पास एक बाइक निजी बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक बस से नीचे आ गया। हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए एम्बुलेंस में अस्पताल भेज दिया। निजी बस HP 62-1484 और बाइक HP 63-B-5673 की टक्कर हुई है। मृतक की पहचान राजेश कुमार गांव घटाधार जिला सिरमौर के रूप में हुई है, जबकि घायल कृपाराम को CHC शोघी से IGMC अस्पताल ले जाया गया है। हिमाचल में खाली हुई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर नहीं होंगे उपचुनाव। भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर विधानसभा सीट और मंडी लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव नहीं कराने का फैसला लिया है। आयोग ने ये निर्णय राज्य के मुख्य सचिव की आपदा और फेस्टिवल सीजन की दलील को देखते हुए लिया है। मंडी और फतेहपुर सीट को खाली हुए 6 महीने का समय पूरा हो गया है। ऐसे में चुनाव आयोग 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराने के लिए बाध्य था। अब आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव कराएगा और बाकी सीटों के चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 27 सितंबर से शुरू होकर अक्टूबर महीने तक चलेंगी। सभी कोर्स का परीक्षा शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है, जिसे छात्र देख और डाउनलोड कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सभागार में शुक्रवार से यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 5वें BTech कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन विभिन्न कोर्स के प्रवेश परीक्षा की बिना मेरिट के आधार करीब 150 छात्रों की काउंसलिंग की गई है। निदेशक प्रोफेसर PL शर्मा ने बताया कि काउंसलिंग 7 सितंबर तक चलेगी। उपायुक्त ने सिल्वर मेडल विजेता निषाद कुमार को भेंट किया 21,000 का चेक। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक विजेता निषाद कुमार को उपायुक्त राघव शर्मा ने उनके घर बदायूं जाकर बधाई दी और जिला प्रशासन की ओर से 21,000 रुपए का चेक भेंट किया। DC ने कहा कि ऊना जिला निवासी निषाद कुमार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और उम्मीद है कि अगले पैरालंपिक में वे देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आएंगे। राघव शर्मा ने कहा कि हाई जंप प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल कर निषाद कुमार ने न सिर्फ जिला ऊना बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि निषाद कुमार जिला ऊना के खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है और पूरी पीढ़ी उनसे प्रेरित होकर खेलों की ओर आकर्षित होगी। Thank you.
शिमला कुनिहार मुख्य मार्ग सायरी के समीप हुए भूस्खलन से सड़क ढह गई है। इस कारण ये मुख्य मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। जानकारी के अनुसार सायरी में बस ठहराव के पास ही करीब 50 फुट तक भूस्खलन हो गया है। इसके चलते ये मार्ग यातायात के लिए बाधित हो गया है। ट्रैफिक को लोअर बाजार की ओर से डाइवर्ट किया गया है। भूमि कटाव से हुए भूस्खलन को लेकर विभाग की टीम मशीनरी कार्य लेकर कार्य में जुट गई है। बता दें कि ये मार्ग काफी व्यस्त मार्गों में से एक है और इस पर दिन भर सैकड़ों वाहनों की आवाजाही रहती है। सायरी के समीप ही जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट भी है। मार्ग बंद होने से कुनिहार या शिमला की ओर अपने कार्यों के लिए जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केवी स्लोह की आर्षिता ने राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। केंद्रीय विद्यालय स्लोह की सातवीं कक्षा की छात्रा आर्षिता भारती ने शिमला में हुई राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में सब जूनियर 36 भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये जानकारी केंद्रीय विद्यालय स्लोह के प्रचार्य युद्धवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि के लिए आर्षिता ने अपनी माता अंजना भारती एवं पिता सुरेश कुमार को श्रेय दिया है। आर्षिता को इस सफलता पर केंद्रीय विद्यालय स्लोह की ओर से सम्मानित किया और परिवारजनों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई दी। कांगड़ा जिला में शनिवार को कोविड संक्रमण के 62 नए मामले सामने आए हैं और 36 कोविड संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। ये जानकारी उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने देते हुए बताया कि कांगड़ा जिला में अब कोविड के एक्टिव केस 385 हैं। सभी संक्रमित नागरिकों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था की गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों को दवाइयां और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन कोविड संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क और सजग है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।